सुंबुल तौकीर खां और उनके पिता की बातचीत सुनने के बाद तीना का टेंपर हुआ लूज। तीना दत्ता को आया गुस्सा और लगा दी फटकार सुंबुल तौकीर खां को। फमान खान का क्या आया है जवाब? फमान खान ने ऐसे रिएक्ट करते हुए बताया सुंबुल तौकीर खां और शालीन बानोट को दिया बड़ा जवाब। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी बताते हैं कि बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है, बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का, आपको देता रहता है टेलीविज़न से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट और टेली न्यूज़। तो दोस्तों अब बिग बॉस के घर में आपको पता ही होगा कि सुंबुल तौकीर खां और इनके पिता के बीच जो प्राइवेट कॉल पर बात हुई थी उसको लीक कर दिया है बिग बॉस ने और ये सरासर गलत हुआ है। लोग फैंस ये भी ट्रोल कर रहे हैं बिग बॉस को कि बिग बॉस ने ये बहुत गलत किया है किसी की प्राइवेट बातों को ऐसे लीक करके। लेकिन भाई बिग बॉस तो बिग बॉस है, आपको पता ही होगा कि बिग बॉस ने इस सीज़न में कहा था कि बिग बॉस खुद खेलने वाले हैं और ये बड़ा चाल चल दिया है बिग बॉस ने। जब सुंबुल तौकीर खां की कॉल डिटेल्स को, उनके पिता की बातचीत को लीक कर दिया गया घर वालों के सारे सदस्य के सामने, तब टेम्पर लूज हो गया शालीन बानोड और तीना दत्ता का, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिताजी बरसते हुए नज़र आए थे दोनों ही कंटेस्टेंट पे, अब इन दोनों का गुस्सा सुंबुल तौकीर खां पे फूट पड़ा है। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में लगातार एक लहर सी आ गई है, लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि पिता की गलती की सज़ा बेटी को नहीं मिलना चाहिए। सुंबुल तौकीर खां ने आखिर इन दोनों ही कंटेस्टेंट को कुछ नहीं बोला है, तो लोग ये डिमांड कर रहे हैं और भारी तरफ ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सुंबुल तौकीर खां को टारगेट न किया जाए। उनके पिता ने जो शब्द बोले थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन सुंबुल ने ना ही शालीन को ना ही तीना दत्ता को कुछ बोला है, तो आखिर उनकी सज़ा सुंबुल को क्यों मिल रही है? इसी बात को लेके सुंबुल की हेल्थ कंडीशन डाउन हो गई, जिसके बाद अब बिग बॉस में सुंबुल के हेल्थ कंडीशन के लिए मेडिकल डॉक्टर्स को बुलाया गया और अब आने वाले दिनों में जहाँ पर कुछ दिन के बाद फमान खान की एंट्री होती, इसी हड़बड़ी में फमान खान को जल्दी से जल्दी बुलाया गया बिग बॉस में और वाइल्ड कार्ड के तौर पे उनकी एंट्री हो गई। दूसरी तरफ तीना ने फटकार लगाते हुए सुंबुल तौकीर खां को यह भी कह दिया कि किसी के भी माँ बाप को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की बेटी, किसी को बहन को कुछ भी बोल जाएगा और हम बस बैठ के सुनते रहेंगे। दूसरी तरफ शालीन बानोड भी उनकी हामी भरते हुए नजर आए। शालीन बानोड ने तो ये तक कह दिया हमसे दोस्ती ही मत रखो, हमसे बात ही मत करना। सुंबुल तौकीर खां भी उन पर गुस्सा होते हुए नजर आई, लेकिन फैंस एक तरफा सपोर्ट दिखा रहे हैं सुंबुल तौकीर खां को। आपको क्या लगता है, क्या पिता कि करनी की सजा बेटी को मिलनी चाहिए? आप अपना ओपिनियन बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में और तीना दत्ता के इस रवैये पे आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू लिखिएगा जरूर, मैं जानना चाहूंगा जेन्युइनली पॉइंट ऑफ व्यू आपका कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।